नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं ओल्ड सॉल्यूशन चैनल को, और गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल अकाउंट जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, ठीक है, और कभी कभी इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अपना गूगल अकाउंट डिलीट हो जाता है या फिर यूअर अकाउंट विल बी डिलीट इन 29 डेज, अगर ऐसा कुछ आपके अकाउंट में बता रहे ना, तो इस प्रॉब्लम को 100% कैसे सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉब्लम जो है आप 100% जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने कोई डिटेल अगर गलत भर रखी हो ना, तो उसके कारण आपका जो अकाउंट जो है डिलीट हो सकता है, तो बाकी तो ये 100% खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसी तरीके से आपको करते जाना है स्टेप बाई स्टेप। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बंद इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा होता ना, तो इसलिए अकाउंट है वो बंद हो जाता है। तो ये अकाउंट है ना, मेरे भी एक समस्या आ रही थी, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं कमेंट आई थी दोस्तों, इस समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस और अकाउंट रिकवर कैसे करते हैं, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है अकाउंट रिकवर करना है, तो वीडियो को एंड तक देखता रहना है, ठीक है दोस्तों। आपको ना एक आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड भी करना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना डेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ जो है ना उसके अंदर सही होनी चाहिए, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पे लिख रखा है, देख सो यूअर अकाउंट विल बी डिलीटेड इन 29 डेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये लिख रखा है, तो यहाँ पे पढ़ लेना, और यहाँ पे ना आपको है ना नीचे सेकंड नंबर वाला ऑप्शन में ना, यहाँ पे आपको है ना गवर्नमेंट कोई आईडी डालनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपकी जो है ना बर्थडे डेट, मतलब जो आपने गूगल अकाउंट में डाल रखे हो ना, वो बर्थडे डेट है ना उस गवर्नमेंट आईडी में होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है ना गवर्नमेंट आईडी में कोई चेंज है इसके अंदर, मतलब अकाउंट के अंदर चेंज है और उस गवर्नमेंट आईडी में चेंज है ना, तो आप है ना उस आईडी के अंदर है ना फोटो लेकर उसको एडिट करके आप उसको है ना अपलोड भी कर सकते हो, एडिट करके भी कर सकते हो, उसमें आपको जो है खुल जाएगी आईडी, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने भी अपनी आईडी जो है वो खोली थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा है ना गूगल अकाउंट में है ना चेंज थी और आईडी में है ना कुछ और अलग थी, तो उस हिसाब से मैंने गूगल अकाउंट से मैच करके वो उसने चेंज कर दी, तो उसके हिसाब से मेरा खुल गया था। तो अब आपके भी खुल जाएगा। अब क्या करना है, आपको कहाँ पर जाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है क्रोम पर, ठीक है, क्रोम ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको लिखना है रिकवर जीमेल अकाउंट, ठीक है, रिकवर जीमेल अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हाउ टू रिकवर योर जीमेल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवर योर जीमेल अकाउंट, इस पर आपको कर देना, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो जीमेल अकाउंट जो है वो यहाँ पर डाल देना है, डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पर ना पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड डालोगे ना, जैसे आप नेक्स्ट करोगे, तो उसके बाद अपना जो है वो मतलब आईडी प्रूफ मांगेगा, तो उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट सब कंप्लीट भर के डाल देना है। जैसे डालोगे तो आपके 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपके अकाउंट जो है परमानेंटली खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट जो है रिकवर हो चुका है, तो आप रिकवर भी हो जाएगा, और उसके अंदर रिकवरी मेल भी डालनी है आपको, तो वो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वेबसाइट जो है आप ओपन जैसे करोगे ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अपना जो अकाउंट है रिकवर करना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।